बेटा चल 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 चल, ओ मेरी साइकिल, ओ मेरी साइकिल। चल 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 चला चल 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 चल, ओ मेरी साइकिल, ओ मेरी साइकिल। आस्था राइडर्स का शुरू करने का यही है कि आज से 1.5 साल से हम लोग लॉकडाउन में सब बंद है, हमारे बच्चे बंद है, स्कूल बंद है। बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए और बड़ों में भी डिसिप्लिन लाने के लिए ये इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आज सारे लोग, सारे बच्चे 4 बजे सुबह उठते हैं और 5 बजे हम लोग फ्लैगिंग हो जाते हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, आज साइकिल है। इनकी फिटनेस भी बन रही है, इनका मेंटल फ्लो भी बढ़ रहा है, ये लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा तेज कर रहे हैं। तो हम लोग इनसे छुटकारा दिलवा रहे हैं कि आप पढ़िए भी और हेल्दी भी रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए। बड़े लोग आज सिर्फ एसी गाड़ी और बाइक से नीचे उतरते ही नहीं है, आज सबके हाथ में साइकिल है और सब साइकिल लेके दौड़ रहे हैं। इससे बड़ी और खुशी की बात और मैसेज क्या हो सकता है कि हम लोग ये भागलपुर जैसे सिटी में सब कोई सोचते हैं कि एक छोटा शहर है, छोटा नहीं है, शहर भले ही छोटा है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारी सोच बहुत ऊँची है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है कि हमें आज कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक साइकिल चाहिए और इसकी मेंटेनेंस, वो भी हम लोग एक फ्री चेकअप करवाते हैं साइकिल की, हर सैटरडे फ्री कैंप लगाते हैं कि हमारी साइकिलिंग में, हमारी ग्रुप की साइकिलिंग मेंटेन रहे। और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए कि हमारा पैसे की भी बचत हो रही है, सब स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं, सब लोग टाइमली उठ रहे हैं, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। लाइफ में डिसिप्लिन ही तो चाहिए, टारगेट तो सब अचीव कर ही लेंगे, इससे और कोई भी टारगेट हो सब ईजिली अचीव किया जा सकता है। साइकिलिंग, आप डॉक्टर हैं, ये बताइए साइकिलिंग जो है तो स्वास्थ्य के लिए या जैसे डायबिटीज है उसके लिए कितना लाभदायक? बहुत ही लाभदायक है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल तो करता ही है, आपकी जो दवाएं हैं उसकी भी डोजेज रिड्यूस करती है। ओबेसिटी जो एक बड़ा कारण है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो आप घर में बैठे रहते हैं, आप उससे निकल के आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी की बढ़ जाती है, रिसेप्टर्स चार्ज्ड हो जाते हैं, तो ये तो पॉजिटिव एडवांटेज है। और हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है साइकिलिंग, इट्स अ वेरी हेल्दी स्पोर्ट एंड इट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, सो एवरीवन शुड अडॉप्ट इट। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं कि सब साइकिलिंग ग्रुप बनाइए, फॉलो कीजिए और हम लोग यही चाहेंगे कि ये कंटिन्यूड रहे। आज हमारा ग्रुप 10 किलोमीटर्स करता है, कल 20 किलोमीटर्स करेगा और फर्दर इंक्रीज करेगा, अपना एंड्योरेंस बढ़ाएगा। एंड थैंक यू सो मच सिल्क टीवी। पिछले 2 हफ्ते से हम सब लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, आस्था राइडर्स की टीम, और इससे बहुत सारे फायदे हैं। हमारे जो खून की नलियां हैं वो मजबूत होती हैं, हृदय मजबूत होता है, जॉइंट्स मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फिटनेस रहने में काफ़ी ये सहायक है साइकिलिंग कि सारे लोग साइकिलिंग करें और फिजिकल फिटनेस बना के रखें। सप्ताह से साइकिलिंग कर रहे हैं और इसमें फायदा सबसे बड़े है कि मुझे डायबिटीज है और इससे बहुत लग रहा है, जैसा कि मैं शुगर लेवल का मैंने चेक किया वो रिड्यूस भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारा एक्सरसाइज हो जाता है, एरोबिक एक्सरसाइज हो जाता है। साइकिलिंग से सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी कैलोरी बर्न होती है जिससे मोटापा भी कम होता है और बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी कम होता है। तो साइकिलिंग मांसपेशी को भी मजबूत करता है। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे आस्था राइडर्स की तरफ से कि आप सभी लोग साइकिल पर चलें, अपने स्वस्थ रखें और फिट रहें। साइकिलिंग अभी वीकेंड 1 वीक से हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमने 9 साल पहले बहुत ज़्यादा साइकिलिंग चलाया है। साइकिलिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, साइकिलिंग करने से लोग फिट रहते हैं, स्पेशली महिलाएं जो घर में रह करके बोर हो चुकी हैं, जो एक ही रूटीन वाइज काम करती रहती, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो साइकिलिंग करें, फिट रहे, वेट लॉस होता है। और जो महिलाएँ बीमारी से ग्रसित होती हैं, खास करके थायराइड वगैरह, उन लोग से भी बहुत आराम मिलेगा लोगों को और लोग अपने फैमिली में, अपने समाज में मोटिवेट करें साइकिलिंग के लिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिसको छोड़ दिया गया, साइकिलिंग एक बहुत अच्छा इवेंट है जिसको मिस नहीं करना चाहिए। बेटा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमको। कब से चला रहे हैं सर? 2 हफ्ता। बेसिकली मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ और वर्षा मैम और ओवेस सर वहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आपको मुझे एक्टिव किया और मेरे प्लेयर्स को कि बैठे बैठे क्या करना है, सुबह सुबह आइए और हम लोग साइकिलिंग करेंगे। तो हमको लगता है कि बैठे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत फायदा, मैं बहुत अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ। बस जब स्टेडियम ओपन होगा तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगा खेलने में, बच्चे को सिखाने में, मैं फिट रहूंगा तो ही बच्चे लोग फिट रहेंगे, इसलिए मैं सफलता हमको अगर आप यहाँ देख रहे हैं
तो आस्था राइडर्स क्लब की वजह से ही है, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम इन लोगों को साइकिलिंग करते फेसबुक पे देखे तो मैंने जिया सर को बोला, उबेश सर को बोला कि सर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो ठीक है आइए वेलकम है। और आज हम सोचिए 100 किलो के हैं और हम 15 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, तो आस्था राइडर्स का मोटिवेशन इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। स्पेशली उबेश सर और अर्षा मैम तो हर मंडे मॉर्निंग एक बढ़िया कोटेशन के साथ हम लोग का सुबह शुरुआत होता है, और आस्था राइडर्स प्लेइंग ए ग्रेट रोल। हम तो चाहेंगे कि भागलपुर के सारे यूथ, सारे युवा बच्चे सब अपना अपना बनाए, साथ में जुड़े और हम लोग के साथ सुबह हर दिन जो है राइडिंग करें साइकिल का। हम लोग आज लाल कोठी से निकले हैं, आस्था नर्सिंग होम से निकले हैं, तिलका मांझी से होते हुए वापस हम लोग यूनिवर्सिटी होते हुए वापस हम लोग अपनी डेस्टिनेशन आस्था क्लिनिक पहुंचेंगे। कितना किलोमीटर चलाते हैं ये? हम लोग का आज जो ड्राइव है हम लोग का ही 15 किलोमीटर का ड्राइव है।